श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति सागर 10 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पांचवें नंबर की राशि अर्थात सह राशि की। सह राशि के स्वामी सूर्य देवता हैं और ग्रह देवता भी सूर्य हैं। सह राशि की मित्र राशि मेष तथा धनु है और शत्रु राशि तुला, मकर और कुंभ है। इस राशि के जातक सुंदर, सुदृढ़ एवं तंदुरुस्त शरीर के होते हैं। चौड़ा मस्तिष्क, लंबी नाक, घने बालों वाले होते हैं। इस राशि के जातकों का प्रतिभाशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व होता है। इस राशि के जातक हसमुख, निडर, उद्यमी, विद्वान, कर्मठ, पराक्रमी होने के साथ साथ व्यवहार कुशल, उच्चाकांक्षी, स्वतंत्र विचारों एवं नीति के अनुसार आचरण करने वाले होते हैं। शीघ्र क्रोधित होने की प्रकृति होती है। समस्त कार्य जैसे रहना, खाना, घूमना, फिरना शाही अंदाज में पसंद होता है। इस राशि के जातक वचन के पक्के नहीं होते, सदैव आदेश देना ही पसंद होता है। ये लोग अपनी उपलब्धियों का डंडोरा पीटते रहते हैं। इस राशि के जातकों को कर्ज लेना पसंद नहीं होता है। यदि ले लिया तो समय से पूर्व ही चुका देते हैं। परिवार के लिए सदैव समर्पित रहते हैं और हमेशा वफादार रहते हैं। सह राशि के जातक उदार प्रकृति के होते हैं। सदैव मित्रों के बीच घिरे रहते हैं। विश्वसनीय मित्र ही बनाते हैं। सह राशि के जातक बहुत भावुक होते हैं, जल्दी ही भावनाओं में बह जाते हैं। अपने जीवन साथी का स्वतंत्र चुनाव करते हैं। जिससे भी प्रेम करते हैं उसे अंत समय तक निभाते हैं। ये लोग अपने जीवन साथी के विपरीत कुछ भी सुनना नहीं चाहते। सह राशि के जातक अभिमानी, जिद्दी, तनक मिजाज के भी होते हैं। मित्रों के साथ छुट्टियां मनाना इन्हें पसंद होता है। ये भी दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे इनके पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन इनके अंदर अंदर से दूसरों की मदद करने की भावना बहुत प्रबल होती है। ये सबका अच्छा चाहते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार का मैल नहीं होता है। ये साफ दिल के होते हैं। ये दूसरी की कमियों को सबके सामने उजागर नहीं करते हैं। अगर इनके किसी की कमियों का पता चल भी जाता है तो उसे अकेले में जाकर बताते हैं। उनका डंडोरा सबके सामने नहीं पीटते हैं, इसलिए ये वफादार होते हैं। ये अपने मान सम्मान का बहुत ख्याल रखते हैं। राशि के स्वामी सूर्य देवता होने के कारण इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन थोड़ी देर के ही लिए आता है। लेकिन इनके मन में कुछ भी नहीं रहता। ये सबके प्रति अच्छे विचार रखते हैं, सबका भला सोचने वाले होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक और शेयर करना। राधे राधे।